हबीबगंज के पास प्लास्टिक की फैक्ट्री कबाड़ में आग लगने की खबर मिल रही है। तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखाते हैं, यहां पर किस तरीके से विकराल रूप ये आग जो है वो ले चुकी है। प्लास्टिक फैक्ट्री के कबाड़ में ये आग बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हुई है। पूरा जो धुएं का गुबार है किस तरीके से उठ रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर आप यहां पर देख रहे हैं और देख सकते हैं कि कहां तक ये जो आग है वो फैली हुई है। पूरा जो इलाका है वो धुएं से भर चुका है। प्लास्टिक की फैक्ट्री के कबाड़ में ये आग बताई जा रही है। जोधपुर पाली रोड का ये जीत कॉलेज जिसके पास ये प्लास्टिक की फैक्ट्री बताई जा रही है, उसके कबाड़ में ये भीषण आग। वहीं फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर बताई जा रही हैं। आग पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो शुरू यहां पर हो चुकी हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जोधपुर से, जहां पर किस तरीके से आग इस प्लास्टिक फैक्ट्री के कबाड़ में लगी है। पूरी तरीके से जो इलाका है वो धुएं के गुबार से भर चुका है। काफी इलाके में ये आग जो है फैल चुकी है काफी दूर तक। हालांकि जो तस्वीरें हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आग जो है वो लगातार फैल रही है। वहीं फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो भी मौके पर बताई जा रही हैं और किस तरीके से जो कोशिशें हैं वो यहां पर की जा रही हैं उसकी भी तस्वीरें। पानी यहां पर डाला जा रहा है जिससे कि इस आग पर काबू पाया जा सके। लगातार आग जो है वो भड़क रही है। दरअसल आग की जो घटनाएं हैं वो लगातार काफी तेजी के साथ इस वक्त बढ़ रही है। अगर प्रदेश का हम जिक्र करें, क्योंकि एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, तो वहीं अब ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जोधपुर, जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री के कबाड़ में आग लग गई है। पाली रोड स्थित जीत कॉलेज के पास ये फैक्ट्री है, जहां फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके लिए यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर काफी दूरी तक इस आग ने प्लास्टिक फैक्ट्री के कबाड़ को अपनी चपेट में ले लिया है। और प्लास्टिक फैक्ट्री है तो जाहिर है काफी तेजी से यह आग जो है वो फैली है। हालांकि कोशिशें अभी यहां पर जारी हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड की जो टीम और 3 गाड़ियां मौके पर हैं वो लगातार कोशिशें यहां पर कर रही हैं। अरुण आज जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या स्थिति है फिलहाल? सुमित, अभी आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है और आग के ये गुब्बार आप देख सकते हैं, जिस तरह से प्लास्टिक होने के कारण से काले काले गुब्बार पूरे पर्यावरण को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जोधपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर ये फैक्ट्री है, लेकिन जिस तरह की ये आग लगी है पूरे जोधपुर तक ये धुआं जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आग कितनी फैल चुकी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां जोधपुर से पहुंची है, 2 बासनी थाना इलाके से और 1 सास श्रीनगर से, लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और जो फैक्ट्री मालिक है वो अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन शिव को दिखा अपने राइट साइड में, देखिए फायर ब्रिगेड फायर टेंडर है जो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये आग इतनी विकराल है क्योंकि प्लास्टिक है, वो वेस्टेज प्लास्टिक है, उसका ये गोदाम बना हुआ था जो खुले में रखा था और इस कारण से हवा के साथ साथ आग है जो फैलती जा रही है। सुमित, जो अरुण अभी तक साफ हो पा रही है कि आखिर ये आग लगी किस वजह से? अभी आग लगने का कारण का तो पता नहीं चला, लेकिन जिस तरह से खुले में ये आग है शायद कोई संभावना है कि कोई बीड़ी सिगरेट पीकर डाली होगी जिस कारण से ये आग लगी है, लेकिन ये तो जांच के बाद पता चलेगा, जो एजेंसी आएगी जांच करेगी किस कारण से आग लगी है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं आग के कारण से फैक्ट्री मालिक को भी काफी नुकसान हुआ, साथ ही साथ पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कैमरामैन को कौशिक को दिखा देगा सर, किस तरह से धुआं जो पूरा आसमान पूरा काले धुएं से भर चुका है और आसपास के जो पर्यावरण प्रेमी या जो वन्य जीवी है उनके ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्यावरण के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। खुले में प्लास्टिक रखना, उसकी केयर नहीं करना और उसके बाद जब मीडिया यहाँ पहुंची तो उनको कवरेज करने से रोकना, ये भी फैक्ट्री मालिक का दबाव बनाया कि आप कवरेज नहीं करें और तो, लेकिन हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और लोग यहाँ है जो अपने स्तर पर रेस्क्यू करें। पास नहीं मैं कहूंगा कैमरामैन जी का, तेल के टैंकर खड़े हैं क्योंकि सालावास डिपो नजदीक है, लोगों की टैंकर की गाड़ियां जो आस पास खड़ी रहती है, तो खतरा अभी भी बना हुआ है कह सकते हैं। सुमित, अरुण ये भी समझना चाहेंगे कि किसी तरीके का जानमान का क्या नुकसान यहां पर हुआ है और अभी जो फायर टेंडर की जो गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं उनकी तरफ से क्या कोशिश हो रही है, और जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं पानी डाला जा रहा है, ये कौन लोग हैं? ये फायर टेंडर है सुमित, मैं बता दूं जोधपुर से जो फायर की गाड़ी आई वो लोग ये बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग जो आसपास के फैक्ट्री में लेबर काम करने वाले हैं वो लेबर भी बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कह सकते हैं अभी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कारण इसका यह है कि कुछ प्लास्टिक लंबे एरिया में काफी फैला हुआ है
और इसको बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल जो है आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। कैमरामैन शिव को कहूँ वो दिखाएगा साइड में से, ये देखे शिव इधर दिखाए, आप ये तेल के जो टैंकर खड़े आप देख सकते हैं राइट साइड में, ये आग अगर थोड़ी सी अगर वहां पहुंच जाती है तो तेल का बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ज्यादा यहाँ आएगी और रेस्क्यू करेगी और बुझाने का प्रयास करेगी, तभी इस आग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। सुमित, अरुण, जो फैक्ट्री मालिक है वो इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार है कि आखिर ये जो लापरवाही जिस तरीके से सामने आई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमें फैक्ट्री मालिक तो ये कवरेज करने ही नहीं देना चाह रहा है। हम लोगों को कम से कम चार जगह रोका गया, हमारे साथ धक्का मुक्की टाइप की हो गई थी कि आप कवरेज करने नहीं जा सकते। फिर हमने रिक्वेस्ट किया, उनको समझाया, मैंने कहा ये जो है एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग आए हैं वैसे आपकी फैक्ट्री में, चूंकि फैक्ट्री का अभी निर्माणाधीन काम चल रहा है और उसके अलावा जो है ये खुले में रखा हुआ है, शायद ये इसको छिपाना चाहते थे इसलिए हम लोगों को अंदर एंट्री नहीं दिया, लेकिन जैसे तैसे करके जी मीडिया सबसे पहले यहाँ पहुंचा है, जी मीडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है किस तरह की ये भीषण आग लगी है और इस आग को पाने के नियंत्रण करने के जो है प्रशासन और जो फैक्ट्री मालिक के मजदूर है वो प्रयास कर रहे हैं। सुमित, अरुण, किसी तरीके के इंतजाम जो है इस फैक्ट्री मालिक की तरफ से किए गए थे इस तरीके की घटना से निपटने के लिए? क्योंकि जाहिर है अगर आप प्लास्टिक को इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं तो आपके पास जो है तमाम तरीके की चीजें इक्विपमेंट जो है होने चाहिए इस तरीके की घटना से निपटने के लिए। सुमित, यहाँ फायर इक्विपमेंट हमें कोई नजर नहीं आया, हालांकि एक सिलेंडर जो पड़ा है उसमें से गैस निकली हुई कुछ दिखाई नहीं दे रही, एक्सपायर है। अभी दो दिन से पहले जिस तरह से सूरत में हादसा हुआ था, जिसके बाद भी अभी तक न तो प्रशासन सबक ले रहा है, न जो फैक्ट्री मालिक है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये लोग इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए आने वाले दिनों में किस तरह का हादसा हो सकता है, इससे कोई केयर नहीं है। और शायद यही वजह है कि इनके पास कोई फायर इक्विपमेंट नजर नहीं आ रहे, ट्रैक्टर के द्वारा जो पानी की ट्रोलियां मंगी जा रही है उससे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो प्रेशर होना चाहिए आग को बुझाने के लिए वो प्रेशर यहाँ नहीं हो रहा है और लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन लगता नहीं है समय रहते इस पे काबू पाया जाएगा, क्योंकि आग लंबी खुले क्षेत्र में लंबा एरिया है जहाँ फैली हुई है। सुमित, फायर टेंडर कब यहाँ पर पहुंचे हैं जो अरुण, कब से तमाम कोशिशें हो रही हैं और इसकी जानकारी आखिर क्यों नहीं, क्योंकि हम लगातार जो देख रहे हैं आग काफी इलाके में यहाँ पर फैली हुई है। बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूंगा, फायर टेंडर एक घंटे से इसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां, ये तीन गाड़ियां कम लगती है, क्योंकि आग लंबे क्षेत्र में फैली हुई है, तो फायर ब्रिगेड के अधिकारी से कम्युनिकेशन किया गया, उन्होंने कहा हम और गाड़ियां रवाना कर रहे हैं, तो अब जब वो गाड़ियां यहाँ पहुंचेगी, जोधपुर से करीब ये 30 किलोमीटर फैक्ट्री पड़ती है सुमित, मैं बताना चाहूंगा, और पूरा पाली रोड जो है उस रोड पर ये आप काला गुब्बार देख सकते हैं पूरा। बिल्कुल, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा इलाका जो है वो धुएं के गुब्बार से भर चुका है, प्लास्टिक की फैक्ट्री बताई जा रही है और लगातार आग जो है वो फैल रही है, हालांकि कोशिशें लगातार आग पर काबू पाने की जा रही है। बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए।